है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की ड्रामा क्रॉसिंग द रिवर के ऊपर, विच वॉज रिटन बाय अंबई. वी आर यूजिंग SOL's बुक्स PDF ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें. ओके, और ये वीडियो क्योंकि ड्रामा बहुत लेंदी है, थोड़ा लंबा है, इसको समझने के लिए हमने जो वीडियो बनाई है वो थोड़ी लेंदी हो गई है, इसलिए हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. प्लीज वॉच बोथ ऑफ द पार्ट्स केयरफुली सो यू अंडरस्टैंड देम कंप्लीटली. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी आर बिगिनिंग विद द नोट ऑन द प्ले. Crossing the river or Atrai Kadathal was originally written in Tamil in the year 2000. Crossing the river, जो कि English में translate करी गई थी, इसका जो original version था वो था Tamil में लिखा गया था, इसका नाम था Atrai Kadathal. ओके, और ये लिखा गया था 2000 में. It is a play that is unconventional in more ways than one. एक ऐसा प्ले है जो कि परंपरागत, जो कि लाइक प्लेज होते हैं कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उनसे बिल्कुल ही अलग है. वो कैसे है? इट इज़ अ वन एक्ट प्ले एंड देयरफॉर नॉट डिवाइडेड इनटू एक्ट्स. एक ऐसा प्ले है जो सिर्फ एक ही एक्ट में ख़त्म कर दिया गया है. तो एक ही एक्ट में ख़त्म कर दिया तो उसको और एक्ट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, डिवाइड ही नहीं करा गया. इनफैक्ट इट इज़ नॉट इवन डिवाइडेड इनटू सीन्स, बल्कि और तो और इसको जो है सीन्स में भी डिवाइड नहीं किया गया. क्योंकि हर, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, हर एक एक्ट के एक स्क्रिप्ट होती है, हर एक एक्ट के जो है सीन्स डिवाइड होते हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे ड्रामा को, पूरे के पूरे प्ले को सिर्फ एक ही एक्ट में, एक ही सीन में ख़त्म कर दिया गया था. द एंटायर प्ले इज़ वन लॉन्ग सीन एंड देर इज़ जस्ट वन एक्टर ऑन स्टेज विद अ वाइट स्क्रीन इन द बैकग्राउंड. जो पूरा का पूरा प्ले है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीन पे बनाया गया था, लाइक परफॉर्म किया गया था, और इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है पूरे के पूरे प्ले में. ओके, और वो जो उसकी लोकेशन क्या है, उसकी सेटिंग क्या है, कि वो स्टेज पे खड़ी है, उसका जो बैकग्राउंड है पीछे का वो कम्प्लीटली वाइट है. बस इतने सी सेटिंग्स में, इतने से सीन में ही, एक ही सीन में जो है पूरा प्ले ख़त्म गया. यही इसकी खासियत है. द ओनली अदर इनपुट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वॉइसेज दैट आर हर्ड एंड द शेडोज दैट प्ले ऑन द स्क्रीन. ओके, सो एक ही कैरेक्टर है जो इसमें पूरे प्ले में परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक स्टेज पे खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, उसके पीछे का बैकग्राउंड वाइट है, और जो बाकी के जो एक्टर्स या फिर कैरेक्टर्स हैं इस प्ले में उनकी सिर्फ आवाज़ें हैं, तो उनको दिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है. सो इसकी जो खासियत है इस प्ले की, यही है कि ये पूरे एक ही सीन में ख़त्म किया गया प्ले है. इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है, एक ही परफॉर्मर है, और बाकी जो हैं आवाज़ें हैं, और उसका जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ वाइट है और कुछ नहीं. देर इज़ अ डायलॉग इन द प्ले बट नॉट बिटवीन टू और मोर पीपल. इस प्ले में डायलॉग्स हैं लेकिन वो दो से ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं है, वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के डायलॉग्स हैं. कि अ सिंगल कैरेक्टर स्पीक्स ऑन स्टेज एड्रेसिंग द ऑडियंस एंड एट टाइम्स एड्रेसिंग द वॉइसेज दैट पुट क्वेश्चंस टू हर. ओके, सो एक ये परफॉर्म कैसे हो रहा है कि एक सिंगल कैरेक्टर है जो कि स्टेज पे खड़ा हुआ है और वो अपना जो है डायलॉग्स बोल रहा है, और वो डायलॉग्स किसके हैं, वो सुना रहा है डायलॉग्स जो ऑडियंस बैठी हैं उनको, और वो डायलॉग्स क्या हैं, वो आंसर्स हैं उनके, जो कि वो क्वेश्चंस पीछे से बैकग्राउंड में जो वॉइसेस आ रही हैं उसकी. द ओनली मोमेंट और एक्शन दैट हैपेंस ऑन द स्टेज इज द मोमेंट ऑफ दिस वन कैरेक्टर एज शी सर्कल्स द स्टेज वाइल स्पीकिंग और वेन शी सिम्बॉलिकली रेजेज हर आर्म्स टू शोल्डर लेवल टू फॉर्म अ क्रॉस. ओके, सो इसमें एक पूरे प्ले में सिर्फ एक ही मूवमेंट हो रखी है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, और वो ये है कि जो लेडी कैरेक्टर है इस प्ले में, इस सीन में, पूरे सीन में वो है कि जब वो अपने हाथ मूव करती है, फोल्ड करती है लाइक क्रॉस बनाते हुए, बस उसी एक ही मूवमेंट है जो उसको पूरे प्ले में परफॉर्म किया गया है. द एंटायर प्ले इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इंटीरियर मोनोलॉग. और जो पूरा का पूरा प्ले है एक इंटीरियर मोनोलॉग. मोनोलॉग क्या होता है, जब हम कोई भी एक स्टोरी शुरू होते हैं तो उससे पहले कि जो स्टोरी से पहले कोई अपनी कहानी सुना रहा होता है कि ना, तो उस वे में होता है ये बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी कही जाती है मोनोलॉग. सो इसमें हम क्या समझेंगे, व्हाट आर वी टू मेक ऑफ दिस प्ले. ये प्ले किस लिए बना है, क्यों बना है. हाउ आर वी टू अंडरस्टैंड इट, हम इसे कैसे समझें. इज देयर इवन अ स्टोरी इन द प्ले, क्या इस प्ले में कोई स्टोरी भी है. इज़ दैट स्टोरी बींग टोल्ड बाई वन कैरेक्टर ओनली, और क्या ये स्टोरी सिर्फ एक कैरेक्टर के द्वारा बोली जा रही है. द नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट इज सीता स्टोरी. एज मेंशन अबव, क्रॉसिंग द रिवर इज अ शॉर्ट वन एक्ट प्ले इन विच देर इज ओनली वन कैरेक्टर ऑन स्टेज एंड दैट इज सीता.
जैसे ही हम पढ़ चुके हैं क्रॉसिंग द रिवर में जो है एक छोटा सा वन एक्ट प्ले है और उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है स्टेज पे और वो है सीता। वन कैन मूव सेफली विद द अजम्पशन दैट एनी इंडियन रीडर वुड बी फैमिलियर विद द स्टोरी ऑफ रामायण एंड ऑल्सो विद द सीता'स पोर्ट्रायल इन इट। और कोई भी इंडियन रीडर होगा वो रामायण की स्टोरी जानता होगा, उसमें जो सीता का कैरेक्टर था, सीता का पोर्ट्रायल जो था, उसको भी बहुत अच्छे तरीके से जानता होगा। जनरेशन ऑफ रीडर हैव सीन हर एज द क्विंटेसेंशियल आइडियल वुमन, डॉटर, वाइफ, मदर। सो हम कई जनरेशन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सीता का कैरेक्टर जो था वो बहुत ही एक ओहदे पे अच्छी घराने की लड़की थी, ओके महिला थी, और वो एक बहुत ही आइडियल वुमन रही हैं, एक डॉटर रही हैं, वाइफ रही हैं, मदर रही हैं। शी इज़ नेवर सीन विदाउट अ मैन बाई हर साइड। वो कभी भी लाइक बिना किसी मैन के सपोर्ट के नहीं रही हैं। जब वो लाइक एज अ मदर, डॉटर और वाइफ, एज अ डॉटर शी हैज़ हर फादर हु शी हैज़ टू ओबे। जब वो डॉटर थी तो उनके फादर उनके साथ थे, जिनको उनको लाइक जिनकी बात उनको हमेशा माननी पड़ती थी। एज रामाज वाइफ शी फॉलोज हिम वेर एवर ही गोज, नॉट वंस क्वेश्चनिंग हिम और इवन सेइंग वन वर्ड दैट वुड इंडिकेट व्हाट शी डिज़ायर्स। जब वो रामा की वाइफ बनी, राम की वाइफ बनी, तब भी उन्होंने लाइक एक भी क्वेश्चन नहीं किया कि वो क्यों जा रहे हैं, बाहर कहाँ जा रहे हैं, और वो बस उनके कहे अनुसार उनके साथ चली जाती थी बिना अपनी इच्छाओं को बताए। लेटर व्हेन शी इज इन रावण्स कैप्टिविटी, हर सोल एम बिकम्स नाउ टू हाउ टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम हिम। और जब वो रावण की कैप्टिविटी में आते हैं, रावण की शिकंजे में आते हैं, तब उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है, खुद को उससे कैसे बचा के रखें। सो यहाँ पे बताया गया कि जब वो लाइक उनके साथ कोई ना कोई आदमी रहा है, वो चाहे फादर के तौर पे हो, दुश्मन के तौर पे हो, पति के तौर पे हो, बच्चे के तौर पे हो, उन्होंने हमेशा उनकी बात मानी है बिना कोई आवाज़ उठाए। व्हेन द वॉर इज फॉट एंड वन शी गिव्स दी अग्नि परीक्षा विद फोल्डेड हैंड्स एंड अ बॉड हेड। जब वो वॉर ख़त्म हो जाती है, लड़ाई ख़त्म हो जाती है और जीत ली जाती है, तब उनको अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ती है। वो सर झुका के हाथ जोड़ के जो है अग्नि परीक्षा देती है बिना कोई आवाज़ उठाए। वंस अगेन नॉट रेजिंग हर वॉइस एट ऑल व्हेन रामा बैनिशेज हर टू द फॉरेस्ट फॉर नो फॉल्ट ऑफ हर्स शी गोज अनकम्प्लेनिंगली। और तो और वो तब भी आवाज़ नहीं उठाती जब राम जो है उनको देश निकाला दे देते हैं, जंगलों में जाने के लिए बोल देते हैं, जबकि उनका कोई फॉल्ट भी नहीं होता और वो बिना कोई कंप्लेन किए चली जाती हैं। सो यहाँ पे वही दिखाया गया है कि जो औरतों की जो स्थिति थी, जो सीता की जो स्थिति थी रामायण में, वो ऐसी थी कि लाइक वो सबका हर पुरुष की आज्ञा मानती थी। वन वंडर्स व्हाट गोज ऑन इन सीताज माइंड एंड हार्ट। सो अगर आप सोचें, एक रीडर के तौर पर सोचेंगे, लाइक अगर हम रीडर के तौर पर सोचते हैं कि सीता के माइंड में चल क्या रहा होगा जब उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा होगा, वाई इज़ इट दैट शी नेवर रेजेज हर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ इट ऑल। जब उनके साथ ऐसे अन्याय हो रहा था तो उन्होंने एक बार भी आवाज़ क्यों नहीं उठाए। वॉज शी एवर क्रिटिकल ऑफ द वे रामा ट्रीटेड हर। ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि लाइक क्या उन्होंने कभी राम को बोला कि उन्होंने जो जिस तरह से राम ने उनके साथ व्यवहार किया, वुड शी हैव सेड हैड शी स्पोकन। वो अगर वो बोलती या फिर कोई क्वेश्चन करती तो वो क्या होता। देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट सच क्वेश्चन डू कम टू आवर माइंड एज रीडर्स। इसमें कोई भी डाउट नहीं, जब हम एज अ रीडर हम सीता की स्थिति को पढ़ते हैं रामायण में, तो हमारे माइंड में सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम लाइक बोल नहीं पा, लाइक क्वेश्चंस करते नहीं हैं एक्चुअली में कि देखो उन्हों क्यों ऐसा फॉलो करती थी। हम बल्कि ये सोचते हैं कि लाइक हाँ वो बहुत ही ज़्यादा जो है आइडल वुमन है, क्योंकि वो सीता है तो लाइक उनका मानना बनता है। इन अ पेट्रियार्कल नरेटिव हाउएवर देर हैज़ नेवर बीन एनी प्लेस फॉर सच क्वेश्चन, द वुमन्स परस्पेक्टिव वॉज नेवर गिवन एनी इंपॉर्टेंस। क्योंकि एक पेट्रियार्कल नरेटिव, रामायण एक पेट्रियार्कल नरेटिव रहा है। पेट्रियार्कल मीन्स आदमीवादी, जिसमें आदमियों की स्थिति को जो है ज़्यादा मजबूती से दिखाया गया है औरतों के मुकाबले। सो एक ऐसा नरेटिव रहा है जहाँ पे औरतों के द्वारा क्वेश्चन उठाना तो बनता ही नहीं है, और वुमेन की परस्पेक्टिव, महिला की क्या सोच है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी है। हालांकि इन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स हाउएवर नरेटिव्स आर कंस्टेंटली बीइंग रेड, री रिटर्न एंड री इंटरप्रेटेड फ्रॉम अ वुमन सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू। हालांकि जो मॉडर्न टाइम में और कंटेम्प्रेरी टाइम के जो जितने भी नरेटिव लिखे गए हैं, वो बार बार दोबारा लिखे गए हैं, दोबारा पढ़े गए हैं, दोबारा उनको समझा गया है, लेकिन उनके जो उनको कभी भी जो है वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा गया है। सच रीडिंग्स पोज अ चैलेंज टू पेट्रियार्कल हेगेमनी विच हैज़ डिटरमिन द आउटकम ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो इस तरह के जो पेट्रियार्कल हेगेमनी, इस तरह का जो मानव पुरुषवादी जो विचारधारा थी जो इन सारे लिटरेरी टेक्स्ट में जो हमें मिली है, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आते हैं पढ़ने वालों पे, यानी रीडर्स पे। फॉर दिस रीज़न एज
ओल्ड एपिक्स मिथ्स एंड लेजेंड्स आर बीइंग रिविजिटेड एंड री इंटरप्रेटेड बाय वुमन राइटर्स टू ब्रिंग द वुमन्स व्यू पॉइंट टू द री फोर फ्रंट. सो इसी वजह से जो हैं इतने बड़ी जो जितनी महागाथाएँ लिखी गई हैं, जो उन पर मिथ्स हैं, जो इतने जो महान योद्धा हुए हैं, इन सब के ऊपर एक क्वेश्चन उठाती हैं जो महिला हमारे राइटर्स हैं. और जो क्योंकि वो अपने एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उनके क्वेश्चंस बनते हैं कि आखिर महिलाओं को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई. सो क्रॉसिंग द रिवर इज जस्ट सच एन अटेम्प्ट बाय अंबाई टू रिविजिट द एपिक रामायण एंड टर्न इट इनटू ए सीतायना बाय प्रेजेंटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इवेंट्स थ्रू द प्रिज्म ऑफ सीताज कॉन्शियसनेस. Crossing the river is just an attempt by Ambai to revisit the epic Ramayana and turn it into a Sitayana by presenting and reinterpreting the events through the prism of Sita's consciousness. So crossing the river एक तरह से एक attempt है अंबाई के द्वारा दोबारा से जो है epic Ramayana को जो है लिखा जो समझा जाए और उसको Ramayana नहीं उसको सीतायन समझा जाए. जैसे हम रामायण बोलते हैं उसको सीतायन समझा जाए, क्योंकि अंबाई जो है एक महिला है और वो महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हैं कि महिला की जो स्थिति है वो कैसी है. सो क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर बताया गया है सीता का जो वही इसमें लीड रोल में रखा गया है. तो कह रहे हैं कि उसको सीतायन समझा जाए और सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सीता के कॉन्शियसनेस से इसको समझा जाए. द एंटायर प्ले इज वन लॉन्ग एंगेज मोनोलॉग बाय सीता विच टेकन अस इनटू हर हार्ट एंड सोल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम गिव्स हर अ वॉइस. पूरा का पूरा एक जो प्ले है एक जो पूरा पूरा जो कि एक सीन में ही खत्म हो रखा है एक बहुत एक मोनोलॉग है. मोनोलॉग होता है कि जब एक कोई ड्रामा या फिर कोई प्ले स्टार्ट होता है उससे पहले प्ले में क्या होने वाला है छोटी सी झलक उसमें दिखा दी जाती है. सो वही एक मोनोलॉग है जो कि सीता द्वारा कहा गया है पूरा का पूरा प्ले. उसके उसमें सीता बता रही है कि उनके दिल में उनकी जो आत्मा क्या कहती है उसको आवाज़ दी गई है. थ्रू सीता द प्ले एक्सप्लोर द प्रेडिकमेंट एंड द सिचुएशन ऑफ ऑल विक्टिम ऑफ सप्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर. सीता के थ्रू सीता को एक लीड कैरेक्टर बना के इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है सदियों से हमारी सोसाइटी में जो है महिलाओं की जो स्पेशली महिलाओं की क्योंकि जेंडर के बेस पे जो सब दबाव बनाया जाता है स्पेशली महिलाओं को जो दबाव बनाया किस तरह से गुजर रही है उनको जो किस तरह से विक्टिमाइज किया जाता है. देयर फोर द प्ले वर्क्स नॉट सो मच ऑन द लिटरल प्लेन एज ऑन द सिम्बॉलिक एंड मेटाफोरिकल लेवल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. हालांकि जो प्ले है वो इस तरह से काम नहीं करता है कि लाइक वो एक कोई सिंबॉलिक या कोई मेटाफोरिकल लेवल पे समझा जाए. मींस लाइक इसको इस तरह से नहीं समझा जा सकता कि आप पूरे की पूरी रामायण को चेंज कर दो, बट आप इसको सिर्फ एक सीता के पॉइंट ऑफ व्यू से एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं. लेट अस एग्जामिन द प्ले इन सम डिटेल्स फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस. सीताज लॉन्ग मोनोलॉग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेक्शंस यूजिंग द स्टेज डायरेक्शन एज ब्रेक्स. सो इस पूरे प्ले को क्योंकि एक पूरा प्ले एक मोनोलॉग है और बहुत लंबा है उसको सिर्फ एक सेक्शंस में बांट दिया गया है. मीन्स उसको सीन्स में नहीं बांटा गया उसको सिर्फ सेक्शन में बांटा गया ताकि उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझा जा सके. अभी तक हमने पिछले दो कंटेक्स्ट में हमने सीता के बारे में पढ़ा जो कि इसकी इस पूरे ड्रामा की उस पूरे प्ले की मेन कैरेक्टर है उनका. उससे पहले हमने इस पूरे स्टोरी जो प्ले की जो थीम है कहानी क्या है उसका हमने थोड़ी सी समरी पढ़ी. अब हम बात कर रहे हैं कि ड्रामा होता क्या है. अ ब्रीफ नोट ऑन ड्रामा. ड्रामा इज एन आर्ट फॉर्म दैट गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ड्रामा एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो हजारों सालों से पहले चलता आ रहा है एंड हैज़ वेरी इफेक्टिवली पोर्ट्रेट क्रूशल इशूज ऑन स्टेज थ्रू एक्टर्स हू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्क्रिप्ट. ओके, क्योंकि हजारों सालों से चलता आ रहा है नहीं पहले से चलता आ रहा है जहाँ जहाँ पास एक टीवीज़ वगैरह होते नहीं तो जो एक्टर्स होते थे स्टेज पे परफॉर्म करते थे और वो जो प्लेज होते थे उनमें एक स्क्रिप्ट दी जाती थी और वो जो एक्टर्स होते थे उसी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते थे और उस परफॉर्मेंस के थ्रू वो सोसाइटी के क्रूशल इशूज़ को जो है अपने स्टेज पर लेकर आते थे. द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामाज आर. और एक ड्रामा को बनाने के लिए एक ड्रामा को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है वो बात करी गई है. सबसे पहले होती है थीम चाहिए होती है. थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग्स, सेटिंग्स, परफॉर्मेंस, सॉन्ग्स, डांस, म्यूजिक, स्टेज इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स, ये सारे टाइम के साथ स्टेज इफेक्ट्स विजुअल इफेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं. पहले जो थे बहुत कॉमन रखे जाते थे. अब इन सारे एलिमेंट्स को हम डीपली थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे. इन अ ड्रामा
प्ले और स्टोरी इज ब्रॉट टू लाइफ बाय इट्स परफॉर्मेंस ऑन स्टेज थ्रू एक्टर्स हू परफॉर्म द रोल्स ऑफ द वेरियस कैरेक्टर्स इन अ प्ले एंड एक्ट आउट द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी एंड यूज डायलॉग एंड एक्शन एज अ मीन्स टू कम्युनिकेट द सेम. एक ड्रामा में एक जो स्टोरी होती है वो परफॉर्म की जाती है, स्टेज पर परफॉर्म की जाती है, जिसमें एक्टर्स होते हैं जिनको अलग अलग रोल्स डिवाइड कर दिए जाते हैं उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, के जो जैसा भी स्क्रिप्ट दी होती है उनको उनके डायलॉग्स मिले होते हैं, उनको उनके एक्शंस दिए होते हैं ताकि जो है उन एक्शन के थ्रू कम्युनिकेट करके जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं. इट इज़ अ डायनामिक एंड वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म एंड अ गुड प्ले कीप्स द ऑडियंस रिवेटेड टू देयर सीट्स. सो इस तरह से जब वो ये सारी चीज़ें मिलकर, ये थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, ये सारे एलिमेंट्स मिलकर ड्रामा और जो प्ले को इतना बेहतर बना देते हैं कि जो ऑडियंस होती है उनको सीट से जुड़े रखती है, लाइक वो उसे कनेक्ट कर पाते हैं. बीइंग अ विजुअल मीडियम इट्स इम्पैक्ट इज़ इमीडिएट एंड वेरी इफेक्टिव. क्योंकि अगर आप स्टोरी सुनते हो, पहले पढ़ते हो तो आप उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर पाते हो, जब आप सुनते हो उससे बेटर कनेक्ट पाते हो. लेकिन जो हम विजुअली जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं और हाँ समझते हैं, वो उससे हम ज़्यादा तरीके अच्छे तरीके से हमारे लाइफ में इफेक्ट करते हैं, उसे हम ढंग से समझ पाते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट है द प्लॉट. द प्लॉट और द स्टोरी ऑफ द प्ले हैज़ कैरेक्टर्स थ्रू होम द स्टोरी इज प्लेड. प्लॉट और स्टोरी का जो है उसमें प्ले के जो कैरेक्टर्स दिए होते हैं जो कि जो स्टोरी में प्ले करने वाले हैं. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एक्टर्स टू ब्रिंग दीज कैरेक्टर्स टू लाइफ व्हेन दे इनेक्ट देयर रोल्स ऑन द स्टेज. और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक्टर्स की होती है कि वो इस तरह से परफॉर्म करें अपने कैरेक्टर्स को कि वो ऐसा लगे कि हाँ वो रियल में वही हैं, ताकि वो अपने रोल को स्टेज परफॉर्म इस तरह से करें. द मेन कैरेक्टर्स इन द प्ले इज नोन एज द प्रोटैगनिस्ट एंड इज क्रूशियल टू द थीम ऑफ द प्ले. और जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं. प्रोटैगनिस्ट होता है मेन, जो हीरो होता है, ठीक है. एंटागोनिस्ट होता है जो विलन होता है, ठीक है. उस और उस तरह से थीम का जो है क्रूशियल तरीके से उसको दिखा सके. सो इस तरह से हमें जो है मेन कैरेक्टर दिया जाता है. नेक्स्ट है सेंट्रल थीम. द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज द मेन आइडिया और द मैसेज दैट द प्ले पुट्स फॉरवर्ड. सेंट्रल थीम, मेन आइडिया, जो कि हर एक स्टोरी, हर एक प्ले में, हर एक ड्रामा में होती है, उसका मकसद ये होता है कि जो मैसेज जो है उस प्ले के थ्रू, उस कहानी के थ्रू दिया जाना है वो. दिस मैसेज मे बी स्टेटेड बाय वन और मोर कैरेक्टर्स इन द प्ले और बी बॉर्न आउट बाय देयर एक्शंस और थ्रू द इवेंट्स बीइंग शोन. और ये मैसेज चाहे वो कैरेक्टर जो हैं अपने परफॉर्मेंस के द्वारा दे दें, या मैसेज की तो परफॉर्मेंस के द्वारा दे दें, अपने एक्शन के द्वारा दे दें, या फिर कोई कैरेक्टर जो है अपनी अपनी वॉइस में दे सकता है, यानी वो डायरेक्टली वो मैसेज बोल के भी दे सकता है. इट मे इवन बी इम्प्लाइड एंड मे इमर्ज आफ्टर द एंटायर परफॉर्मेंस इज ओवर एंड द ऑडियंस हैव हैड टाइम टू पॉन्डर ओवर द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग देयर दैट पर्टिकुलर प्ले. और ये मैसेज तब भी दिया जा सकता है जब प्ले ख़त्म हो जाता है, एंड में आके कोई जो है कैरेक्टर आता है सामने और बताता है कि इस जो इस प्ले का जो है मेन थीम ये थी, इससे ये मैसेज मिलता है, इससे ये मोरल मिलता है. इस तरीके से तरह तरीके से जो है कई तरीक़ों से जो प्ले का जो मेन थीम है, मेन आइडिया है, जो मैसेज है वो कन्वे किया जा सकता है. नेक्स्ट एलिमेंट है द सेटिंग ऑफ द प्ले इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द टाइम एंड प्लेस इन विच द इवेंट्स आर हैपनिंग. सेटिंग्स क्या होती है प्ले की, जो बैकग्राउंड क्या है. जैसे कभी हम प्ले देखते हैं तो उस पीछे पेड़ लगे होते हैं, चीज़ें रखी होती हैं, ये सारी सेटिंग्स आती हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये बताते हैं कि जो प्ले हो रहा है वो किस टाइम पे हो रहा है, कहाँ किस जगह पे हो रहा है, और जो चीज़ हो रही है प्ले में वो किस तरह के इवेंट्स हैं, ये सारी सेटिंग्स की वजह से पता चलता है. म्यूजिक, सॉन्ग्स, डांस एंड अदर विजुअल इफेक्ट्स सच एज अ प्ले ऑफ लाइट एंड साउंड्स आर ऑफन यूज टू इन्हांस द इम्पैक्ट ऑफ द प्ले एंड मेक इट मोर लिवली एंड इंटरेस्टिंग. सो म्यूजिक, सॉन्ग्स, डांस और विजुअल इफेक्ट्स, ये सारी लाइट्स और साउंड जो हैं, ये सारे सेटिंग्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं, लिवली बना देते हैं, जीवंत बना देते हैं, जिससे प्ले जो है और अच्छा हो जाता है. द फाइनल इम्पैक्ट ऑफ द प्ले डिपेंड्स ऑन अ कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स डिस्कस्ड अबव. अ लॉट हाउएवर डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर, द वे दे एसे देयर रोल्स, इमोट ऑन स्टेज, परफॉर्म देयर एक्शंस और डिलीवर देयर डायलॉग्स. और जो लास्ट का जो एलिमेंट है वो है कि इन सारी चीज़ों को, सेंट्रल थीम, प्लॉट, कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, ये सारी चीज़ों को, सारे एलिमेंट्स का मिलकर एक अच्छे से परफॉर्म करना स्टेज पर, जिससे जो है जो
प्ले है बहुत ही अच्छे से परफॉर्म होता है, उसका जो मैसेज होता है वो समझ में आता है, उनको एक्शन जो है डायलॉग डिलीवरी वगैरह सब कुछ बेहतर बना देते हैं। सो ये सारे एलिमेंट्स थे ड्रामा के। ओके सो इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं एनालिसिस की। इस सेक्शन में किस तरह से जो है प्ले की सेटिंग्स बिठाई गई है, किस तरह से कैरेक्टर जो स्टेज पे कैरेक्टर है वो परफॉर्म करेगा, पीछे का बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में बताया गया है। द प्ले बिगिंस विद अ सेट ऑफ स्टेज डायरेक्शंस विच टेल अस हाउ द स्टेज इज सेट। प्ले स्टार्ट होता है स्टेज के डायरेक्शंस पे कि कैसे जो है स्टेज सेट किया गया है। द स्टेज इज बेयर, स्टेज जो है खाली पड़ा हुआ है। देर इज़ अ वाइट स्क्रीन ऑन द वॉल फेसिंग द ऑडियंस। स्टेज पूरी तरह खाली है, बस पीछे बैकग्राउंड में एक वाइट स्क्रीन है। वाइट स्क्रीन यानी पर्दा हो सकता है वाइट, जो कि पूरा ऑडियंस के ठीक सामने है। द लाइट फॉल्स फ्रॉम अबव ऑन वन वुमन हु स्टैंड्स विद हर बैक टू द ऑडियंस। और जो ऊपर से लाइट पड़ रही है, एक औरत खड़ी है स्टेज पे, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है और उसका जो फेस है उस वॉल की तरफ है, उसकी पीठ जो है ऑडियंस की तरफ है। रेस्ट ऑफ द स्टेज इज इन डार्कनेस, और सिर्फ वो लाइट है जो उस औरत पे पड़ रही है, और बाकी जो पूरा स्टेज है पूरी तरह से अंधेरे में है। हर हेड इज बेंट लो एंड हर हैंड्स आर हैंग लो एंड देन शी स्पीक्स स्लोली। उसके हाथ जो है थोड़ा झुके हुए हैं, उसके जो जैसे कुछ प्रार्थना में झुके हुए हैं, उसके हाथ भी थोड़े से झुके हुए हैं, लाइक जैसे हम प्रार्थना करते हैं उस तरह से बंधे हुए हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा बोलना शुरू करती हैं। स्टेज डायरेक्शन हेल्प रीडर्स ऑफ द प्ले टू इमेजिन द सेटिंग ऑफ द सीन एंड ऑल्सो द मूवमेंट और स्टांस ऑफ कैरेक्टर्स। सो स्टेज का जो डायरेक्शन है वो बताता है कि जो है रीडर्स को प्ले समझने में कि किस तरह की जो परफॉर्म हो रहा है या किस तरह सीन चल रहा है। दे ऑल्सो एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द एक्टर्स हु आर परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। सो स्टेज के जो डायरेक्शन है वो एक गाइडलाइन की तरह भी काम करते हैं जो स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए। वी डू नॉट नो येट हु द वुमन ऑन द स्टेजेस, अभी तक जो है हमें पता नहीं है स्टेज पर वुमन कौन है। हालांकि हमने थीम और जो सीधा कैरेक्टर पढ़ा उससे हमें पता चल गया, बट इस ड्रामे के जो शुरू होते ही, जैसे कि जो ड्रामा स्टार्ट हो रहा है, प्ले स्टार्ट हो रहा है, उसके शुरुआत में हमें पता नहीं है कि ये कौन है। हर बेंट हेड एंड हर हैंड्स हैंगिंग लो क्रिएट एन एयर ऑफ डिपेंडेंसी अराउंड हर। जो उसके हाथ झुके हुए हैं और उसका जो सर भी हल्का सा झुका हुआ है प्रार्थना में, तरह से एक तरह से लोगों में थोड़ा सा, ऑडियंस में थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। लाइट इज़ बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली टू फोकस ऑन दिस वन कैरेक्टर ऑन स्टेज, और लाइट जो है बहुत अच्छे तरीके से यूज़ की गई है उस वन कैरेक्टर पे जो स्टेज पे खड़ा हुआ है उसके ऊपर डाली गई है। व्हेन द वुमन स्पीक्स शी स्पीक्स इन द फर्स्ट पर्सन एंड टॉक्स ऑफ अ रिवर बीइंग बिफोर हर वंस अगेन। जब वो बोलना शुरू करती हैं, वो कैरेक्टर बोलना शुरू करता है, वो फर्स्ट पर्सन में बोलना पड़ता है, यानी आई में बोल मैं के बारे में बोलना शुरू करता है, और वो बात करती हैं रिवर के बारे में जो कि being before her once again। So like imagine करने के लिए उसके आगे जो है नदी बह रही है। The audience has to imagine that river and the white screen which the woman is facing can be projection of that river in its physical sense on stage। और जो ऑडियंस है यानी कैरेक्टर जो बोल रहा है कि आगे रिवर बह रही है और स्टेज पे कुछ भी नहीं है, तो बाकी काम जो है सारा के सारा ऑडियंस का है कि ऑडियंस को इमेजिन करना है कि जो कैरेक्टर ने बोला है कि नदी बह रही है, तो ऑडियंस को इमेजिन करना है कि सामने नदी बह रही है। सो इस तरह से जो है सेटिंग बिठाई गई है स्टेज की। इस पूरे ड्रामा को जो है कंटेक्स्ट में बांटा गया है, जो दिखने में स्टांजास लगते हैं जैसे पोएम पढ़ रहे हो, बट ये है एक ड्रामा। क्या वंस अगेन जो उसको जब हम ड्रामे को पढ़ेंगे, इस कंटेक्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जो समरी है वो समरी ही उस जो पूरे कंटेक्स्ट का मतलब है। ओके और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पुटअप किए गए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। पढ़ते हैं। द वंस अगेन देर इज़ अ रिवर बिफोर मी क्रैडलिंग द मून्स रेज एंड फ्लोइंग स्लोली hiding the fury that burst and destroys trees, plants, shelters and lives, a river that hides। लास्ट में जो है राइमिंग स्कीम यूज़ करिए lies and hides में। ओके अब पढ़ते हैं इसके जो समरी, इसका जो मीनिंग है वो द वुमन कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब दैट रिवर, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि पूरे स्टेज पर सिर्फ एक ही वुमन है जो और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक कैरेक्टर है जो कि इस पर लाइट पड़ रही है और पीछे जो है वाइट बैकग्राउंड है। ओके अ वुमन कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब दैट रिवर स्पीकिंग स्लोली, वो रिवर के बारे में बता रही है, उसके स्लोली स्लोली पढ़ रही है उसके बारे में। इट इज़ ए क्लियर रिवर, वो बताती है कि एक साफ रिवर है, रिवीलिंग द सेंस बीनीथ, वो इतनी साफ है कि जो उसके नीचे जो
मिट्टी है वो एकदम साफ साफ दिख रही है, मिट्टी है जो रेत है वो साफ साफ दिख रही है, एंड ओपन रिवर विच रिवील्स एंड हाइट्स एट द सेम टाइम। और एक ऐसी रिवर है, ऐसी ओपन रिवर है जो कभी छुप जाती है जो कभी सामने आ जाती है, मीन्स जो लाइक क्योंकि उसमें जो हिचकोले उड़ते हैं जो वेव्स होती हैं उससे कभी जो एकदम साफ पानी दिखता है कभी जो है साफ नहीं दिखता है। शी गोज ऑन टू लिस्ट सम ऑफ द थिंग्स दैट द रिवर इज हाइडिंग। वो फिर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना शुरू करते हैं जो रिवर जो है अपने अंदर छुपाए बैठी है। द स्केच ऑफ ओर्स, द फ्लावर्स दैट हैव टच द डेड बॉडीज, हाइडिंग द फ्यूरी दैट बर्स एंड डिस्ट्रॉयज ट्रीज प्लांट्स शेल्टर्स लाइफ, इट मे बी हाइडिंग मैनी अदर थिंग्स विद इन इट। सो ये रिवर कौन सी है इस अभी इसके बारे में कुछ भी इसमें मेंशन नहीं किया गया है। वो कह रही है कि लाइक ये रिवर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं, बहुत कुछ इसने बर्बाद किया है, क्योंकि नदी जो है बहुत जगहों से होकर आती है, कई जगह जो है आपदाएं पैदा कर देती है, जहां पर बाढ़ आ जाती है तो कई लोगों की डेड बॉडीज़ भी इसमें होती है, लोग जो है क्योंकि पुरानी बात है तो उसमें डेड बॉडीज़ भी होती हैं, लोग जो घर जो हैं ट्रीज प्लांट्स शेल्टर जिंदगियां जो हैं इस रिवर के अंदर छुपी हुई है। सो ये थी इस एक फैले कंटेक्स्ट की समरी जिसमें जो इस कैरेक्टर है स्टेज वो क्या कहना चाहता है। अब क्वेश्चन बनते हैं, हाउ डज द प्ले बिगिन, प्ले कैसे स्टार्ट होता है, कि प्ले स्टार्ट होता है कि जो स्टेज पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है वो खड़ा हुआ है हाथ जोड़कर और सर झुकाकर, उसका जो बैक है वो ऑडियंस की तरफ है और जो फेस है पीछे जो वाइट बैकग्राउंड है उसकी तरफ है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर ऑन स्टेज, जैसे कि हमने दो से तीन बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर है। ओके, व्हाट डज द वाइट स्क्रीन सिग्निफाई, वाइट स्क्रीन सिग्निफाइज द इमेजिनेशंस, कह सकते हैं कि इमेजिनेशन है उसके उसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, डिपेंड कर रहा है टोटली ऑडियंस पे, क्योंकि वर्ड्स जो होंगे वो उस कैरेक्टर के हैं, बाकी सारी इमेजिनेशन सारी ऑडियंस के। इज़ द रिवर बीइंग यूज्ड हियर एज अ मेटाफॉर, एक्सप्लेन, क्या यहाँ पर जो रिवर है वो एक मेटाफॉर के तौर पर यूज़ करी जा रही है, मेटाफॉर यानी एक उदाहरण के तौर पर रूपक अलंकार के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, उसको एक्सप्लेन करें। हाँ, वो रिवर को जो है एक मेटाफॉर के तौर पर यूज़ किया जा रहा है कि लाइक जो रिवर है उसने कई जिंदगियों को जो है ली लिया है, क्योंकि रिवर जो है कई जगहों से, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि बाढ़ वगैरह आपदाएं आती है उसमें डेड बॉडीज़ होती हैं, घर टूटे हुए घर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं। सो ये था पहला कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में बढ़ते हैं, सेक्शन टू है। इसे शुरू करने से पहले इसका सेट देख लेते हैं। अनदर सेट ऑफ स्टेज डायरेक्शंस फॉलो, देयर इज सम मूवमेंट ऑन स्टेज। सो अब जो है इस कंटेक्स्ट में जो है कुछ मूवमेंट होती है स्टेज पे। द वुमन टर्न्स हर हेड टू द राइट शोइंग ऑन साइड ऑफ हर फेस टू द ऑडियंस एंड देन बेंड्स हर हेड बैक एंड लिफ्ट्स हर फेस एंड वॉक्स बैकवर्ड्स ओवर द ऑडियंस टेकिंग टू स्टेप्स बिफोर स्पीकिंग अगेन। सो यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट होती है, जो कैरेक्टर है स्टेज पे वो सर झुका, जिसका सर झुका हुआ था वो थोड़ा सा फेस करती है और उसका राइट साइड का जो फेस है, राइट साइड का जो फेस है ऑडियंस को दिखता है। उसके बाद वो वापस फेस आगे कर लेती है, यानी उसका जो बैकवर्ड बैक था जो उस ऑडियंस की तरफ थी, और वो उसी पोजीशन में दो स्टेप पीछे जाती है और कुछ बोलती है। विच रिवर इज दिस, इज इट सरयू, यमुना, आई हैव कम अ लॉन्ग वे थ्रू फॉरेस्ट With leaves whispering in the wind, I came laughing, thinking, and then destroyed. I came. इस कंटेक्स्ट में पूछ रहे कि लाइक वो स्टार्ट करते पूछ रहे हैं कि लाइक ये कौन सी रिवर है जो उसके सामने से बह रही थी, क्या ये सरयू है, यमुना रिवर है, गंगा है, कावेरी है, गोदावरी है, नर्मदा है। एंड देन शी फेसिस द ऑडियंस एंड आस्क द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंट ऑफ द क्वेश्चंस। फिर उसके बाद वो क्योंकि जो मुड़ के पीछे उस मुड़ी थी ऑडियंस की तरफ फेस दिखाया था, वो फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलिवेंट क्वेश्चन है उस सिचुएशन पे वो पूछती है। डज इट मैटर विच रिवर इज इट इज, इट इज़ लाइक एनी अदर रिवर स्ट्रेच लाइक अ स्नेक विद बैंक्स ऑन टू साइड शोइंग द वे टू फार अवे प्लेस लाइक डेंस फॉरेस्ट माउंटेन टॉप्स एंड वाटरफॉल्स। क्या ये रियली मैटर करता है कि कौन सी रिवर, क्योंकि नदियाँ तो सारी एक जैसी होती हैं, हर नदी के दो किनारे होते हैं, हर किनारों पर या तो जो और हर नदी जो है एक सांप की तरह बहती जाती है टेढ़ी मेढ़ी, और हर नदी के किनारों पर जो है या तो जंगल होते हैं या तो पहाड़ होते हैं या फिर झरने होते हैं। शी देन वॉक्स टू द फ्रंट ऑफ द स्टेज एंड कंटिन्यूज टू स्पीक टेलिंग द ऑडियंस हाउ शी हैज़ कम अ लॉन्ग वे थ्रू फॉरेस्ट विद लीव्स विस्परिंग इन द विंड एंड द ब्रीज कैरेसिंग हर फेस एंड टचिंग हर हेयर शी वॉज हैप्पी एंड केम लाफिंग थिंकिंग एंड देन डिस्ट्रॉयड। फिर उसके बाद वो ऑडियंस की तरफ जाती है और हंसते हुए बताती है कि किस तरह से वो जो है इन जंगलों में आई, जो है
उसको जब वो जंगलों में भटक रही थी तब उस पर जो है उसको ऐसा लग रहा था कि जो पत्ते जो हैं उस पर हंस रहे हैं, पेड़ उस पर हंस रहे हैं, उसके चेहरे से छू के जो हवाएं जा रही हैं वो भी उस पर हंस रही हैं। वो खुश थी, लेकिन जब वो आई वो खुश थी, वो हंस भी रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो जो है जब वो उसने सोचना स्टार्ट किया वो धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ गई। इस पर क्वेश्चन बनता है, इज देयर एनी एक्शन ऑन स्टेज? इफ़ येस देन वट डज इट सिग्निफाई? उसमें फिर वो क्वेश्चन पूछे क्या स्टेज पे कोई एक्शन हुआ, कोई मूवमेंट हुई? हाँ हुई। वो उसने जो राइट साइड का फेस था वो ऑडियंस की तरफ करा था और दो स्टेप पीछे भी आई थी। उसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है कि लाइक वो ऑडियंस के सामने आई है और वो अपना जो है क्वेश्चन पूछ रही थी। बट पर्टिनेंट क्वेश्चन डज द वुमेन आस्क? वो पूछते कि लाइक क्या ये रियली मैटर करता है कि वो कौन सी रिवर है, क्योंकि सारी रिवर्स जो हैं एक समान है। वट डज द वुमेन टेल अबाउट हरसेल्फ? वुमेन बताती है कि किस तरह से जो है उसको जंगलों में उसको भटकना पड़ा और किस तरह की उसको जो है तबाही देखनी पड़ी है।